सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। नए कृषि कानून की प्रति जला करके लोहड़ी मनाएंगे किसान। किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठनों का होगा खुलासा। आईबी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। केंद्र सरकार ने आंदोलन की कुछ देश विरोधी ताकतों के होने की बात कही और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर लगाई रोक, 8 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्य कमेटी, 2 महीने में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से और छोर से बनाई गई कमेटी में 2 किसान नेता और 2 एक्सपर्ट शामिल, भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार। किसानों को कमेटी नामंजूर है, किसान संगठन बोले कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी प्रो गवर्नमेंट है, हम उसके मेंबर से बात नहीं करेंगे। आंदोलन से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को किसान नेता घर भेजेंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस भेजने का दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर दी चुनौती, कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को प्रदर्शन करने पर अड़े किसान नेता, दर्शन पाल ने सरकार को दी धमकी, कहा 26 जनवरी को होगा ऐतिहासिक प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जारी किया नोटिस। सीपीआई नेता डी राजा ने कृषि कानून पर संसद के अगले सत्र में चर्चा की मांग की, सरकार से बिल वापस लेने को कहा। कांग्रेस के उलट शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, पवार ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के फैसले की सराहना की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राकेश टिकैत पर पलटी मारने का लगाया आरोप, कहा राकेश टिकैत ने कानून के समर्थन में बोला था कि महेंद्र टिकैत की आत्मा को 27 साल बाद मिली है शांति। गृहमंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले कि कार्यक्रम पूरा करेगी हरियाणा सरकार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, बॉर्डर पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार, आतंकवाद पाकिस्तान की पॉलिसी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी पर ओवरपोस्ट का किया दौरा और साथ ही एलएसी पर हालात का लिया जायजा, सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। हिंदुस्तान के ऑपरेशन अलकायदा में बड़ा खुलासा, बंगाल से बांग्लादेशियों को अवैध जॉब कार्ड के जरिए भेजा गया मनरेगा का पैसा, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल का शक। ऑपरेशन अलकायदा पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, कहा कि बंगाल में चल रही है देशद्रोही गतिविधियां। जम्मू में सीमा पर धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व, बीएसएफ के जवानों ने नाच गाकर मनाई लोहड़ी। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा कि आतंकियों को दी जा रही है 5-स्टार सुविधाएं। 30 और 31 जनवरी को बंगाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठाकुर नगर और ठाकुरबाड़ी में करेंगे रोड शो। कर्नाटक में आज होगा बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में दोपहर 3:30 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। यूपी में अगले 2 दिनों में कुल 11 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज आएंगी, सूबे के सभी मंडलों में भेजी जाएगी वैक्सीन। लखनऊ के ऐशबाग में वैक्सीन रखने के लिए 4 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर लगाए गए हैं, सुरक्षा को लेकर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश तैयार, आज प्रदेश पहुंचेगी वैक्सीन की पहली खेप। आज राजस्थान आएगी कोरोना वैक्सीन, प्रदेश में बनाए गए 282 कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स, राजस्थान को 6,03,500 वैक्सीन डोज की गई अलॉट। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 386 नए मरीज आए सामने, 24 घंटे में 16 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,936 नए मरीज आए सामने, जबकि 50 लोगों की हुई मौत। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक आज लखनऊ तला, विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे बैठक। मिशन रोजगार के तहत लक्ष्य के करीब योगी सरकार, 7 जनवरी तक करीब 25 लाख को मिला रोजगार। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ माघ मेले में आए संतों में आक्रोश, बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौनी बाबा अनशन पर बैठे। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में रमलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर टेका मत्था। गौर बिल्डर के खिलाफ होगी जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया आदेश। अमरपाली ग्रुप के फर्जीवाड़े में प्राधिकरण के कई और अफसर गिर सकती है गाज, ईडी के पूर्व ईओ समेत कई अधिकारियों जांच के लिए तलब किए गए। युवक ने मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ एसपी से की शिकायत, पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम भी लिखा खत, सीरीज के चलते नौकरी नहीं मिलने का आरोप। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में एसआईटी की जांच जारी, कई और नाम आ सकते हैं सामने। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। संतकबीरनगर में एसटीएफ ने फर्जी शिक्षक को किया गिरफ्तार, आरोपी शिक्षक पर चयन के दौरान दूसरे का मार्कशीट लगाने का आरोप। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद कलुआ गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, इससे पहले गैंग के 9 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के में मचा घमासान पर बीजेपी का तंज, कहा कि कांग्रेस को जनता के सरोकार से कोई भी मतलब नहीं।
प्रमोशन के लिए यूपी में अब सालाना तैयार होगा शिक्षकों का करेक्टर रोल। शिक्षकों को भरना होगा ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट। 15 अप्रैल होगी आखिरी तारीख। औरैया में आरएसएस के स्वयंसेवक ने भव्य रैली निकाली है। अयोध्या में चल रही राम मंदिर निर्माण में आम लोगों की सहभागिता के लिए रैली निकाली गई। उधम सिंह नगर में बर्ड फ्लू की दस्तक से वन विभाग अलर्ट। वन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी के आभूषण, हथियार और कारतूस भी बरामद। बरेली में शादी का झांसा देकर यूपी से दुष्कर्म। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों पर अश्लील वीडियो वायरल करने का भी आरोप। पीलीभीत में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी। आरोपियों ने फर्जी मनी लेटर और आईडी कार्ड भी दिया। फिरोजाबाद में अस्पताल में आग लगने को लेकर प्रशासन सतर्क। सरकारी अस्पताल में फायर ब्रिगेड ने किया मॉक ड्रिल। यूपी के बिजनौर में तमंचा फैक्ट्री भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 1.5 दर्जन तमंचे भी बरामद। उन्नाव में चलती कार में अचानक लगी आग। इस दौरान सूझबूझ से कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। मिनट में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर खाक। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की सुंदरता पर बर्फबारी ने 4 चांद लगाए। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। केदारनाथ धाम 3 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर से लिपटी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग भी बंद। शिवराज कैबिनेट ने छोटे किसानों को दी बड़ी राहत। एमपी ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी के साथ देखी गुटबाजी। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर नारेबाजी की। इंदौर में विवादों से घिरी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। अवैध खनन के दौरान जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन उठा ले जाने का आरोप। निकाय चुनाव तक कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है कांग्रेस। अनुशासन समिति की बैठक में फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा दावा। कहा बीजापुर और नारायणपुर में सिमटा लाल आतंक। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कार 7 बार पलटी और हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भोपाल में भूमाफिया और बदमाश सुनील यादव के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। नरसिंहपुर में कांग्रेस नेताओं के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में कार्रवाई। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आज होगी अहम बैठक। केरल चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। जोधपुर में उपायुक्त को निवास हवेली पर कार्रवाई करना पड़ा महंगा। नगर निगम उपायुक्त आयुक्त खां को सरकार ने किया सस्पेंड। राजस्थान के डूंगरपुर में बीटीपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। घुसाए डॉक्टरों ने काम किया बंद। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 31 लाख के सोने के साथ महिला तस्कर भी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार समेत 4 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। बिहार के मधुबनी के मुखबदी नाबालिग लड़की से बर्बरता। गैंगरेप के बाद आरोपी ने फोड़ी दोनों आंखें। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। पटना में कांग्रेस की बैठक में सदाकत आश्रम में जमकर हुआ हंगामा। नाराज कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर चलाई कुर्सी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पटना में डीजल ऑटो पर 30 सितंबर तक नहीं लगेगी रोक। अमेरिका करेगा जामताड़ के साइबर अपराधियों पर रिसर्च। साइबर क्रिमिनल्स की ब्रेन मैपिंग करना चाहता है अमेरिका। खुदरा महंगाई दूर। 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 4.59% पर आई महंगाई दर। दुनिया के सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय कंपनी में सबसे मूल्यवान कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। बेंगलुरु के रास्ते नेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने करा रजिस्ट्रेशन। तैयार होंगी इलेक्ट्रिक कारें। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर भी खतरा मंडरा है। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन सहित देश की कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट्स में सिग्नल बना पहली पसंद। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 7 साल से ज्यादा पुराने थे ये प्रोजेक्ट्स। महामारी के बावजूद सूरत के हीरा बाजारों से निर्यात में 650% की ग्रोथ। पॉलिश डायमंड की ज्यादा डिमांड रही। चौथे टेस्ट से पहले नवा झटका जडेजा। व्यार और बुमराह के बाद अब ओपनर मयंक भी चोटिल हुए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़ कर दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी सिंधु को पहले राउंड में मिली हार। थाईलैंड ओपन में वुमेन्स के सिंगल्स के भारत की चुनौती समाप्त। तुर्की के एक अय्याश मौलाना को 1,075 साल की सजा। 1,000 खूबसूरत लड़कियों से घिरे रहता था बेशर्म मौलाना। तुर्की का ये बेशर्म मौलाना बहुत कम कपड़े पहनी हुई महिलाओं से घिरा रहता था। घर से मिली 69,000 गर्भ निरोधक गोलियां। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कैपिटल हिल्स पर जो कहा वो वाजिब था और मुझ पर महाभियोग चलाना भयानक होगा।
रीजनल को बाइडन के शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा का खतरा, सभी 50 राज्य सरकारें सतर्क। अमेरिका में कैपिटल हिंसा पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, ट्विटर ने क्यूएन से जुड़े 70,000 अकाउंट को किया ब्लॉक। इसी महीने नताशा संग शादी करने जा रहे हैं वरुण धवन, अलीबाग में होटल किया बुक, महज 200 मेहमान होंगे शामिल। सत्य साई बाबा का रोल निभाएंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा, वायरल हुआ फर्स्ट लुक। सिर्फ करीना नए घर में ही करेंगे दूसरे नन्हे मेहमान का स्वागत, नए घर में होगी लाइब्रेरी नर्सरी जैसी सुविधाएं। प्रियंका चोपड़ा चाहती है कि निक के साथ कई सारे बच्चे, बोली हो सकता है एक क्रिकेट टीम ही बन जाए। डॉगीज छोटे बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं और तभी तो ये छोटे बच्चे जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो भी उसे पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं। कैद में रहना किसको पसंद है, तभी तो ये घोड़ा चुपचाप नजरें बचाते हुए बाढ़ के बीच से निकलकर बाहर भाग गया। ये चारों नन्हे डॉगीज अपने मालिक की हर बात मानते हैं, मालिक जब इनके जमीन पर लिटाता है तो चौथी डॉग निकलकर खुद ब खुद जमीन पर लेट जाता है। नागालैंड में फंसे इस ट्रक को निकालने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, रस्सी से बांध कर भीड़ ने इसे चुटकियों में बाहर निकाल दिया। चमत्कारी ड्रोन जिसे इंसान भी उड़ा सकता है और ये शख्स जिस ड्रोन से उड़ा रहा है उसे खुद भी ऑपरेट भी कर रहा है। अलमारी को सही सलामत नीचे उतारने का प्लान फेल हो गया, रस्सी से फिसलते ही अलमारी सेकंड फ्लोर से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। संकट रास्ते में बड़े से ट्रैक्टर को मोड़ना मुश्किल भरा है और लेकिन जिस सफाई से ड्राइवर ने इसे मोड़ा वाकई तारीफ के काबिल है। डस्टबिन उठाने आया ट्रक बेंच को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे बेंच पर बैठकर चाय पी रही महिला दूर फुटपाथ पर जा गिरी। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।